अपनी डबली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी ने राज्य कार्यकारिणी की टीम घोषित की है। इसमें कुल 182 लोगों को जगह दी गई है। पूर्व मंत्री अताउर रहमान समेत 3 महासचिव और साथी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम समेत 61 सचिव बनाए गए हैं। राज्य कार्यकारिणी में 48 सदस्य और साथ ही 62 विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में पिछड़े दलित और साथ ही अल्पसंख्यकों को खास तवज्जो दी गई है। इसमें 24 मुसलमान, 17 दलित और 11 यादव हैं, जबकि 8 ब्राह्मण हैं और 45 गैर यादव ओबीसी और 14 वैश्य कायस्थ जैन सिख और ईसाई समुदाय से शामिल किए गए हैं। राजकुमार मिश्रा को कोषाध्यक्ष, मोहम्मद इरफानुल हक, सीएल वर्मा, श्यामलाल पाल और साथ ही राजेंद्र एस बिन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व विधायक जयशंकर पांडे, विधायक अताउर रहमान और अनीउर रहमान को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और कार्यकर्ता तभी से प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने का इंतजार कर रहे थे। वाले लोग इस तरह की बात करते हैं और हमारा मानना है कि ये पीडीए को न्याय दिला के हम समाज में एकता लाएंगे, बराबरी लाएंगे और पीडीए की जिम्मेदारी है कि ऐसी शक्तियों की मदद करे, ऐसी शक्तियों को ऊर्जा दे जो समाज में सामाजिक न्याय ला सके, ताकि देश में, समाज में लड़ाई खत्म होके विकास और संपन्नता के रास्ते पे आगे बढ़ा जा सके। तो समाजवादी पार्टी ने कार्यकारिणी अपनी घोषित कर दी है और इसमें सभी वर्गों को साथ लाने की कोशिश की गई है। तो कार्यकारिणी में 48 सदस्य और साथ ही 62 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में पिछड़े, दलित और साथ ही अल्पसंख्यकों को खास तवज्जो भी दी गई है। देखिए 24 मुसलमान, 17 दलित और 11 यादव इसमें शामिल किए गए हैं, जबकि 8 ब्राह्मण हैं, 45 गैर यादव ओबीसी और 14 वैश्य कायस्थ जैन सिख और ईसाई समुदाय से हैं। राजकुमार मिश्रा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। मोहम्मद इरफानुल हक और साथ ही सीएल वर्मा, श्यामलाल पाल और राजेंद्र एस बिन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व विधायक जयशंकर पांडे, विधायक और अताउर रहमान और साथ ही अनी सुर रहमान को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई और सितंबर 2022 में पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और कार्यकर्ता तभी से प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने का इंतजार कर रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से अलाउद्दीन लाइव जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन का रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन, काफी लंबे समय से इंतजार था और आखिरकार कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है और सभी वर्गों को साथ लाने की कोशिश भी की गई इसमें, और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, समाजवादी पार्टी ने करीब 1.5 महीने पहले पीडीए का यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एजेंडा लेकर के आगे चलने की कोशिश की थी और जातीय जनगणना की बात लगातार करती रही, लेकिन 182 लोगों की जो एक लिस्ट आई है इसमें आप जब देखेंगे लिस्ट में तो अपर क्लास के साथ साथ गैर यादव ओबीसी को चुनने का काम किया है। यानी कि समाजवादी पार्टी इस बात की कोशिश कर रही है कि अदर ओबीसी को भी साथ में जोड़ा जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर आरोप जो एक लगते रहे कि यादव बिरादरी के लोगों के लिए ज्यादा संगठन में जगह है या सरकार में जगह रही है, और इस बात के बारे में लगातार ओपी राजभर भी कहते रहे, दूसरे तमाम लोग जो आलोचना करते ये बातें कहते रहे। तो लगभग 182 लोगों की जो पूरी लिस्ट है इसमें इस तमाम दाग को, इन तमाम बातों को धोने की कोशिश की गई है और सबसे अहम खास बात यह है कि अगड़े वर्ग यानी सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों को न सिर्फ प्रतिनिधित्व दिया गया है बल्कि उनको बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई है। चाहे महासचिव की बात कर ले तो उस पर जयशंकर पांडे को बिठाया गया है और दूसरे जो बड़े पद हैं सचिव उसमें करीब 7 ब्राह्मणों और 7 ठाकुर बिरादरी के लोगों को जगह दी गई है। तो ऐसे में तो क्या समाजवादी पार्टी अपने रूल रेगुलेशन को 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर चेंज करते हुए पीडीए के अतिरिक्त अपनी छतरी को और ज्यादा बड़ी करती हुई उन तमाम लोगों को शामिल कर रही है जिन लोगों के जरिए से वो चुनाव में बेहतर तरीके से जो है रिजल्ट को करने की दिशा में जा सके? क्योंकि अब जब याद करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम बयानों को, जिस तरह से उन्होंने पिछले 3 महीनों में लगातार धार्मिक पुस्तकों के खिलाफ और साथ ही केदारनाथ के साथ साथ तमाम दूसरे मुद्दों पर लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से तमाम राय रखी, तो ऐसे में उन तमाम चीजों पर भी सवाल उठने लगे थे। तो आज जो कार्यकारिणी जारी हुई है, राज्य कार्यकारिणी, हालांकि उसमें 182 लोगों को जगह मिली है, लेकिन जो सबसे अहम खास बात है कि गैर यादव ओबीसी को जगह देना,
साथ में समर्ड लेगो को जगह देना, हालांकि 24 जगह है मुस्लिम बिरादरी के लोगों को भी दी गई है, तो ऐसे में एक बड़ी छतरी समाजवादी पार्टी ने बनाने की कोशिश की जिसके जरिए से इस बात को साध सके तमाम अपने वोट बैंक को और तमाम उन लोगों को जिसके जरिए से 2024 के लोकसभा चुनाव में जाना है। तो ऐसे में क्या रणनीति अब चेंज हो रही है, क्या नई रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है, इस लिस्ट से कम फिलहाल देख करके ऐसा ही कुछ लग रहा है। बिल्कुल, और बीजेपी की जो रणनीति है उसी पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, सभी को साथ लाने की कोशिश यहां पर की गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी को इसका कितना ज्यादा फायदा होता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी ने देश के विभाजन के दर्द को याद करते हुए आज यानी कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। इस दौरान बीजेपी ने देश भर में मौन मार्च का भी आयोजन किया था। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल और दूसरे बीजेपी नेताओं ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मौन मार्च में भाग लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धांजलि पूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि देश के इतिहास में 14 अगस्त की तिथि कभी न भूलने वाली तारीख है। आज के दिन मजहबी और नफरती मानसिकता ने भारत का दुखद विभाजन किया जिसके दुष्परिणाम स्वरूप असंख्य देशवासियों ने यातनाएं झेली और अपनी जान गंवाई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर बलिदान हुए सभी नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। इस क्रूर विभत्स यातना के साक्षी सभी नागरिकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। बीजेपी के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सोने की चिड़िया भारत भूमि का धर्म के आधार पर सन 1947 में विभाजन एक ऐसी विभीषिका है जिसका दर्द करोड़ों हृदयों में आज तक है। भारतीय इतिहास का ये काला अध्याय उस समय अनगिनत लोगों के विस्थापन, दंगों और मृत्यु का कारण बना था। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन के कारण अपनी और अपने परिजनों की जान गंवाने वालों व उनके विभीषिका का दंश झेलने वालों को मेरा सादर नमन। और ज्यादा जानकारी के साथ में अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। अनूप, कई जगह पर आज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, विभाजन विभीषिका दिवस आज मनाया गया और साथ ही कई जगह पर रैलियों का भी आयोजन हुआ, मौन रैली भी निकाली गई। दिल्ली की अगर बात करें तो किस तरह के वहां पर कार्यक्रम हुए हैं, किस तरह से उनको याद किया गया जिन्होंने देश के बंटवारे में अपना बलिदान दिया। देखिए, आपको बता दूं कि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि अब जो है वो केंद्र सरकार 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी और उसी के बाद से लेकर आज तक जो है वो 14 अगस्त को सरकार की तरफ से और खास तौर से बीजेपी की तरफ से इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बीजेपी की तरफ से कहा जाता है हमेशा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उससे पहले तक जो विभाजन के जो दंश झेल रहे हैं लोग हैं उनको कभी याद नहीं किया गया, उनको कहीं ना कहीं भुला दिया गया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से याद करने की कोशिश की है। देखिए, आज भी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हों या फिर अनुराग ठाकुर हों, जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने अपने तरीके से उन्होंने विभाजन की विभीषिका को याद किया है, मौन यात्राएं की है। और आपको बता दूं कि ये पूरा कार्यक्रम जो है आज दिन भर चलने वाला है, शाम को 5 बजे एक बड़ा कार्यक्रम भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं जिसमें कई जो विभाजन में आए हुए जो पलायन करके देश में आए हुए लोगों को वहाँ आमंत्रित किया गया है, उनसे चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से वो अपनों
को उन लोगों ने खोया है, तो कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2021 को लिया गया था और उसके बाद से ही इस दिवस को बीजेपी बढ़ चढ़ कर मनाती आ रही है। जी बिल्कुल अनूप, ये वो दर्द जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, भारत के बंटवारे का ये दर्द। 77 साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी लोग अपनों को याद करते हैं, जिन्होंने बलि दी उनको लोग याद करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे एक अच्छी शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी समर्थकों और बीजेपी को वोट देने वालों पर विवादित टिप्पणी की। हरियाणा के कैथल में जनसभा को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने राक्षस प्रवृत्ति बताया। पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। और इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की मानसिकता बताया। बीजेपी का कहना है कि ओसामा बिन लादेन और अफजल गुरु को तो सम्मान के साथ बुलाते हैं लेकिन जनता को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला जो अफजल गुरु को तो अफजल गुरु जी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लग गए हैं, वोटरों को ही गाली देने लग गए। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती। और यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला कहते कि मैं इन लोगों को श्राप देता हूं, मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप भी देने का काम ये कर रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से कितना नफरत बेच रहे हैं, उनके दिल में कितनी नफरत है, उनके बयान से स्पष्ट होता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं उनकी प्रवृत्ति राक्षसी है। इसका सीधा अर्थ है कि दिल में कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और कोई राजनैतिक बयान कांग्रेस के पास नहीं बचा है तो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं जो निश्चित रूप राहुल। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने विपक्ष के गठबंधन को सांप और नेवले का गठबंधन बताया। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल ने कहा कि यूपी में कानून का स्वर्ण युग है। साल पहले चाणक्य ने कहा था यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधि और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही एक गठबंधन शेप ले रहा है। लेकिन मैं इस गठबंधन और अखिलेश यादव ने जो विधानसभा में कहा, ये तमंचों की सरकार नहीं है, ये विकास की सरकार है। और मैं कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की सरकारों का स्वर्ण युग है। जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऐसे योगी काल स्वर्ण युग है और जीरो टॉलरेंस पर यहाँ पर काम हो रहा है। गठबंधन है, अब देखो कांग्रेस को हटाया आम आदमी पार्टी ने दो राज्यों में, दिल्ली में और पंजाब में, वो एक साथ हैं। चारा घोटाले के जनता दल नीतीश और उनके साथी पिटिशनर थे, वो एक साथ हैं। तो ये देख के बस वही लगता है मेरे को कि मतलब में कैसे कैसे अनुबंध हो गए, नेवले और सांप के संबंध हो गए, तो ये चलेगा नहीं। ये नीति विहीन, कार्यक्रम विहीन और सिद्धांत विहीन है, इसलिए इसकी गांठें जल्दी खुल जाएंगी। और एक बार 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत की पुनः सरकार बनाएंगे। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18।
में आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ट्विटर की। ट्विटर की मनमानी अब भी जारी है। ट्विटर ने बीजेपी के कई नेताओं का ब्लूटिक हटा दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कई मंत्री और साथी नेताओं का ब्लूटिक हटा दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी ब्लूटिक हटा दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत में अपनी फोटो तिरंगे के साथ में अपडेट करने के बाद में ऐसा देखने को मिला है। ट्विटर का कहना है कि अब नेताओं की प्रोफाइल चेक की जाएगी कि उसके पास बाद में ही ब्लूटिक बहाल कर दिया जाएगा, यानी कि पहले प्रोफाइल चेक होगी उसके बाद में ही ब्लूटिक बहाल किया जाएगा। तो ना सिर्फ यूपी के सीएम बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री जिनके प्रोफाइल से ब्लूटिक हटा दिया गया। बीजेपी के किन किन नेताओं के अकाउंट से ट्विटर ने ब्लूटिक हटाया है, हम आपको उन नेताओं के नाम बताते हैं। पहला नाम सीएम योगी आदित्यनाथ, दूसरा नाम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम और तीसरा नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से सीएम और साथ ही डॉक्टर प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।